एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, वर्तमान में कोरोना गंभीर किस्म का नहीं है। सरकार ने आवश्यक उपचार में माकूल इंतजाम किए हैं। लोग कोरोना से सावधान रहें और सुरक्षा के लिए एहतियात बरतें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट डॉक्टरों की राय है कि वर्तमान में कोरोना गंभीर किस्म का नहीं है। सरकार ने आवश्यक उपचार के माकूल इंतजाम किए हैं। पिछले 24 घंटे में 26 नए विशेषज्ञों की डॉक्टरों की मत ऐसा है कि ये गंभीर किस्म का नहीं है, वायरल टाइप का, लेकिन सरकार के इंतजाम पूरे हर स्थान पर, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो या दवाएं, सभी की पर्याप्त उपलब्धता है। मिश्रा ने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, हमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी से हमेशा फायदा ही होता है। अच्छा होगा वे अपनी पार्टी पर फोकस करें, कहीं फिर ना पार्टी टूट जाए। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी, आपका कसूर था कि आप पार्टी और सरकार दोनों ही नहीं संभाल पाए। छोटे भाई बड़े भाई ने मिलकर एक्सीडेंट करा दिया। मैंने उन दोनों जोड़ी के बारे में भी बताया है और इन दोनों की जोड़ी से, इनके प्रवास से तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, और ये कहीं फोकस नहीं कर सकते। अच्छा हो ये अपनी पार्टी पे ही फोकस कर ले, नहीं एंड टाइम पे टूट टाट जाए। इतनी सफाई तो सबको मालूम है, आप व्यापार भी, इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको? कमलनाथ जी, आपका सरकार चलाने का तरीका भी व्यवसाय की था, कारपोरेट कल्चर से आप सरकार चला रहे थे, जनता से कोई सरोकार आपका नहीं था, पूरा का पूरा आपने नफा और नुकसान देख के सरकार का किया था। सवेरे कमलनाथ जी पे शुरू होती थी, शाम को मिलानी पे खत्म हो जाती थी। दोनों भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई, वो एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, न इनने सिग्नल देखा न उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। आपका कसूर था कि आपने किसान को धोखा दिया, 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कह, आपने 4000 रुपया महीना कह के नौजवान को धोखा दिया, ये कसूर था आपका। आपने गरीबों की योजना संबल बंद कर दी, संबल में कोई राशि नहीं डाली, ये कसूर था आपका। तीर दर्शन योजना आपने औपचारिक कर दी, टोकन कर दी, ये कसूर था आपका मध्य प्रदेश का। आप कसूर पूछ रहे हो, आपको कांग्रेस के लोग ही पूरा कसूर बता देंगे। उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद जैसे बौद्धिक सोच रखने वाले लोग विषय की गहराइयों को समझते हैं और मोदी जी की तारीफ करते हैं। ग्लोबल लीडर मोदी के मार्गदर्शन में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अब ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे हो, कांग्रेस के सांसद रहे हो, केंद्र में मंत्री रहे हो, उनकी मोदी जी के बारे में ये राय है। जैसे जो भी बौद्धिक सोच का स्तर ऊंचा रखता है वो विषय की गहराइयों पर भी जाता है। आज पूरा देश का आवाम मानता है कि मोदी जी ने विश्व में नाम रोशन किया है भारत का, और जितने सर्वे एजेंसियां आ रही हैं वो मानती है कि वैश्विक नेता मोदी जी और भारत विश्व गुरु बने, उस तरफ उसके कदम बढ़ना प्रारंभ हो गए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।